बेमौसम हुई बारिश से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर आपने सौंपा ज्ञापन। इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, साथ ही खेती किसानी में खेतों में लगी फसल सब चौपट सी हो रही है, जिसका शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित कराने बुधवार को आप पार्टी के पदाधिकारियों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस बेमौसम हुई बारिश से किसानों की हुई फसल बर्बाद का जल्द से जल्द राजस्व व कृषि विभाग की टीम गठित कर सर्वे करने की बातें कही। हम बता दें, इस मामले में आपके पदाधिकारियों ने कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए गंभीरता नहीं दिखाए जाने की बातें कही। इसलिए आए हैं कि आप देख सकते हैं कि प्रदेश में बेमौसम वर्षा हो रही है। इस बेमौसम वर्षा से धान की फसलें, सब्जियों वाले किसान व मक्का के जो किसान हैं, इन फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान काफ़ी परेशान है और हम ये देख सकते हैं कि राज्य सरकार जो है अभी तक असंवेदनशील है इस मामले में। इसी के संबंध में हम लोग कलेक्ट्रेट के पास आए और ये ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानों को उनके फसलों का मुआवजा मिले और साथ में जो बीमा कंपनियाँ भी जो सर्वे करती हैं किसानों का, वो भी जल्द से जल्द किसानों के फसलों का सर्वे करें और उन्हें बीमा की राशि उपलब्ध कराए। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो सरकार है पंजाब में भगत मान सरकार, वो भी वहाँ फसलों का मुआवजा हमारी सरकार ने 20 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया। तो हम ये मांग करते हैं कम से कम यहाँ भी उन 20 दिनों के अंदर ही मुआवजा मिल जाए, ऐसी हमारी मांग है। जैसा आप हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पिछले हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है छत्तीसगढ़ में और उसके कारण से जो अभी की मौसमी फसलें उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। धान की फसल, खड़ी फसल पूरा नुकसान हो गया, सब्जी बाड़ियों में काफ़ी नुकसान हुआ है। और चूंकि ये छत्तीसगढ़ की सरकार बोलती है कि किसानों की हितैषी सरकार है, ये जबकि ये असंवेदनशील सरकार है, इन्होंने अभी तक कोई इस कदम नहीं लिया, कोई सर्वे का काम नहीं किया, किसी सर्वे एजेंसी को इन्होंने दिया नहीं कि आप सर्वे करिए। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सर्वे किया जाए और किसानों को उनका मुआवजा मिला दिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।